पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI पर केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। अब इस फैसले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वह पहले से ही PFI की विचारधारा के खिलाफ हैं, लेकिन बैन का समर्थन नहीं करते। अवैसी ने इस मामले पर सिलसिलेवार ट्वीट किए। अवैसी ने कहा है कि PFI पर प्रतिबंध कैसे लगा, जबकि ख्वाजा अजमेरी बम धमाकों के दोषियों से जुड़े संगठन पर नहीं। सरकार ने दक्षिणपंथी संस्थाओं को बैन क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा है कि मैंने हमेशा से PFI की विचारधारा का विरोध और लोकतांत्रिक रवैये का समर्थन किया, लेकिन PFI पर बैन का मैं समर्थन नहीं करता। कुछ लोगों के अपराध का यह मतलब नहीं है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही बैन कर दिया जाए। PFI की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है, उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मियर एसोसिएशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इनफ टू कन्विक्ट समवन। ये जो ड्रेकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है, वो फासिज्म के करीब जा चुकी है, तो कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे PFI का, और फिर वो जो काला कानून है UAPA का, उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस UAPA के क़ानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। हमारा सरकार से पूछना यह है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक टोली चौकी हकीम पेट का रहने वाला, उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक है उनका बताइए। कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा इस पर ये कहना है। अब मैं सवालात नहीं लूँगा, ये पार्टी का आप चाह रहे थे कि पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है, ये आपके सामने खुल के रखा हूँ। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज़म हो, हम उसका अपोज करते आए हैं। चाहे रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, हम उसका अपोज करते आए हैं। मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए था।